है एवरीवन, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे पोटैटो स्मैली, जो एकदम बाज़ार के जैसे बनकर तैयार हुए हैं। लॉकडाउन के टाइम पे अगर बच्चे बाहर का खाना चाहते हैं कुछ, तो इस तरीके से घर में ही आप बना सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हुए हैं हमारे पोटैटो स्मैली। ये बहुत कम ही सामान में बन जाते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम बनाते हैं अपने पोटैटो स्मैली, जो कि बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और एकदम मार्केट के जैसे करारे लगते हैं। तो ये देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो पोटैटो स्मैली बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है आलू, जो कि हमने ग्रेट करके लिया है, 4 बड़े आलू। साथ ही साथ हमने यहाँ पे लिया है कॉर्नफ्लोर के साथ साथ यहाँ हमने थोड़ा सा राइस फ्लोर लिया है और थोड़ा सा सॉल्ट। अब हम एक बर्तन लेंगे और इसमें हम डाल लेंगे अपना चावल का आटा। साथ ही साथ हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा जो मक्के का आटा हमने लिया था, 1 या 2 चम्मच। बहुत लोग बहुत तरीके से बताते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से बना रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के हिसाब से नमक। अगर आपको मिर्च पसंद है तो आप मिर्च भी डाल सकते हैं, मिर्च पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं अपने ग्रेट किए हुए आलू। इस तरीके से हाथ में थोड़ा सा लगाएंगे ऑयल और इसका एक सॉफ्ट और स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आप कूटते हुए इसका डो बना लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया है हमारा डो। अब चलिए बनाते हैं इसकी स्माइली। तो स्माइली बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है एक पॉलीथीन। आप कोई भी मोटी पॉलीथीन लेकर कट कर सकते हैं, आप कोई भी फॉइल पेपर ले सकते हैं और उस पर हम इस तरीके से अपने सारे गुथे हुए आटे को रख देंगे और इस तरीके से हाथों की सहायता से फ्लैट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे बेलन से भी कर सकते हैं, बहुत ही आराम आराम से। तो इस तरीके से बहुत ही आराम से बेलन से हम फ्लैट कर ले रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हो चुका है पूरा फ्लैट। अब हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का ले लेना है, कोई भी कटर या फिर आप कोई भी डिब्बा ले सकते हैं काटने के लिए। अब इसमें चारों तरफ हम थोड़ा सा लगा लेंगे आटा, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। इस तरीके से एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे और इसके हम बना लेंगे स्माइली। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कट कर लेना है बाकी सारे स्माइली को। तो यहाँ पे हमने सारे स्माइली को कट कर लिया है। चलिए अब हम इनको स्माइल का शेप देते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी स्टिक ले सकते हैं या कोई कैप ले सकते हैं, जिससे भी आपको सुविधा हो। तो आप इस तरीके से बनाएंगे आइस। तो यहाँ पे इस तरीके से बहुत ही आराम से आइस बनकर रेडी हो गई हैं। बाकी सारी आइस को भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे और अब हम बनाएंगे इसका स्माइली फेस। तो यहाँ पे हमने एक स्पून लिया है प्लास्टिक का और इस पे हमने लगा लिया है आटा और कुछ इस तरीके से दबाते हुए हमें इसका स्माइली फेस बना लेना है। ये दोनों साइड से खुले होने चाहिए, जिससे अच्छे से पक जाते हैं। तो यहाँ पे बाकी सारे स्माइली फेस इस तरीके से हमने बना लिया है, ये देखिए। अब चलिए इसे हम करते हैं फ्राई।
तो यहाँ पे हमने ले लिया है ऑयल, और ऑयल में हम एक एक करके सभी स्माइली को फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमने गैस को मीडियम रखा है। फ्रेंड्स आप चाहें तो इस स्माइली को इस तरीके से बनाकर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं, और जब भी आपका मन करे आप निकल कर फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एक स्माइली को डाल दिया है। थोड़ी देर में ये सारे स्माइली फूल कर ऊपर आ जाएंगे, तो हम इन्हें साइड से पलट लेंगे। ये देखिए एक साइड से पकना स्टार्ट हो चुका है। चलिए अब हम इन्हें पलट लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से सारे स्माइली हमने पलट लेना है। आप जिस तरीके से चाहें आप उस तरीके से इसका कलर रख सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। इसे 2 से 3 बार पलटेंगे तो ये अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स पककर तैयार हो चुके हैं हमारे सारे स्माइली। चलिए हम इन्हें निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छे कलर आए हुए हैं और एकदम बाजार के जैसे लग रहा है, ये देखिए। चलिए बाकी सारे स्माइली को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं फटाफट से। कुछ इस तरीके से हमने सारे स्माइली को फ्राई कर लेना है। ये देखिए बनकर रेडी हो गए हमारे एकदम मार्केट जैसे स्माइली। फ्रेंड्स इस तरीके से घर में स्माइली ज़रूर बनाएं और हमें बताएं कि आपको कैसे लगे और आपसे कैसे बने। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।